नमस्कार दोस्तों, एग्री हब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रामानंद स्वामी, आज हम चर्चा करेंगे जो पशु प्रीचर की वैकेंसी आई हुई है उसमें जो क्या क्या सिलेबस है, यानी कि ए पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या है, क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या सिलेबस है ना। हम आज जो भी जानकारी लेंगे वो किस में लेंगे कि पशु प्रीचर की जो भी जानकारी है यानी सिलेबस क्या है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि ए पार्ट में क्या सिलेबस है और बी पार्ट में क्या सिलेबस है। ए पार्ट कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चन आएंगे, और बी पार्ट वो कितने नंबर का है और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो हम ज्यादा बात न करते हुए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या है। जैसा कि आपको पता है कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले हमें हमारा मैप है, जो ये नक्शा है, वो होना चाहिए हमारे पास कि भाई हम कोई भी जैसे खजाना खोज रहे हैं या जो भी हम काम करें तो उससे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, नहीं कि हम क्या करना है। इसी प्रकार एग्जाम में होता है कि जैसे हमें तैयारी करनी है पशु प्रीचर की, तो हमारे पास सिलेबस क्या है, यानी कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ए पार्ट, यानी कि इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल। ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हम देखते हैं कि एक तो ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। ठीक है, ए पार्ट में कौन सा सब्जेक्ट है, कितने नंबर का आएगा, और बी पार्ट में क्या है, तो देखते हैं। ए पार्ट सबसे पहले हम ए पार्ट का देख लेते हैं, उसके बाद बी पार्ट का देख लेते हैं। भाग ए, भाग ए में क्या है, 12 अंक यानी कि 70% है, यानी कि टोटल 100% अगर हम दे एग्जाम को, टोटल 150 क्वेश्चन है उसमें से 70% है वो क्या आएगा भी, ए पार्ट आएगा। ठीक है, यानी कि 100 इसमें क्या है, प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो 105 संख्या है, यानी कि ए पार्ट में 105 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर का होगा, तो ये भी 105 नंबर का होएगा। ठीक है ना, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन होएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ए पार्ट में है क्या क्या है, यानी कि अब हमने ये तो देख लिया कि ए पार्ट अब 105 नंबर का है और 105 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 105 क्वेश्चन वो कौन से टॉपिक में से आएंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, भूगोल और इतिहास और संस्कृति और कला, इस क्या क्या है समसामयिक विषय, यानी कि जिसे हम करंट अफेयर बोलते हैं, समाविष्ट हो पर वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न होंगे। यानी कि इसमें हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल जो अपने हम बात करते हैं 6ठी से 10वीं तक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक होती है एनसीईआरटी की, वो ही हमें ज्यादा पढ़नी है। उसके अकॉर्डिंग ही हमें साइंस तैयार करनी है, मैथ तैयार करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें सामान्य ज्ञान तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाग ब, यानी कि बी पार्ट है, तो यानी कि ए पार्ट है वो तो लगभग सभी का तैयार होता है, अब हमें बी पार्ट तैयार करना है, तो हम कहाँ से तैयार करें, कैसे तैयार करें, कितने दिन का तैयार, कितने दिन में तैयार हो जाएगा, है ना, तो इसके बारे में हम अब देख लेते हैं। देखिए बी पार्ट में क्या है, 12 30%, यानी कि जो ए पार्ट था वो कितना था, 150 क्वेश्चन क्वेश्चन में से 105 क्वेश्चन का क्या था भाई, ए पार्ट था, यानी कि वो कितना था, 70% था। ठीक है ना, 100 में से 70% तो क्या भी ए पार्ट है और 30% क्या भी बी पार्ट है, यानी कि 105 क्वेश्चन तो है ए पार्ट के और 45 क्वेश्चन है वो किसके भी, बी पार्ट के हैं। तो 105 क्वेश्चन ए पार्ट के प्लस 45 क्वेश्चन किसके भी, बी पार्ट के हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और 150 ही नंबर के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 150 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन वो एक नंबर का रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ए पार्ट में तो हमने देख लिया भाई क्या क्या सिलेबस, उसमें तो देखो हमें पूरा दिया हुआ है कि कला संस्कृति है ना, विज्ञान है, गणित है, उसमें कोई भी टॉपिक नहीं दिया गया है। और इसमें बी पार्ट में क्या कर दिया कि एक एक टॉपिक दिया गया है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री का एक एक टॉपिक दिया गया है। देखिए कौन सा है, पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल नॉलेज हमें होना चाहिए एक तो। उसके बाद है कि जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, ठीक है ना, अब इसमें क्या करते, एक तो सामान्य ज्ञान हो गया यानी कि पशुपालन से संबंधित, दूसरा है कि देसी नस्लें, यानी कि हमें जो भी नस्लें हैं, ब्रीड्स हैं, उनका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो कौन सी होनी चाहिए, देखो नस्लें में हम बात करते हैं गाय है ना, भैंस है, और क्या है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, मुर्गी है यानी पोल्ट्री है,
तो इतनी की यानी इनकी जो भी नस्लें हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। वैसे तो देखो अगर हम कोई भी एग्जाम देते हैं एनिमल स्पिनरी में ज्यादातर क्या हमें पता होना चाहिए, ये नस्ल है, इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है, इसकी विशेषता क्या है, दूध उत्पादन क्या है, या इस किस संकर से उत्पन्न है और कहाँ से इसकी उत्पत्ति है, ये सामान्य सामान्य हमें पता होनी चाहिए। तो गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट मुर्गी इतनी की हमें नस्लों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है ना। तो ये क्या आजकल बहुत ही प्रचलन में है, तो इसका तो स्पेशल आपको ध्यान रखने रखना है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, एआई मेथड जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसे बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। उसके बाद है बधियाकरण, यानी कि जो नर पशु होते हैं उनकी प्रजनन क्षमता समाप्त करना, उसे बोलते हैं बधियाकरण, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद और क्या है, संकर प्रजनन। संकर प्रजनन में क्या होता है कि नई नस्ल एक विकसित करना, है ना, क्रॉस कराकर एक नई नस्ल अपने अनुसार एक नई नस्ल विकसित करना, जैसे कि कोई भी भैंस है या कोई भी गाय है उसकी एक नई नस्ल प्राप्त करना, जिससे कि यानी कि हमारा उद्देश्य होता है कि इससे, जैसे हमारे पास कोई मूरा भैंस है, ठीक है, तो मूरा जैसे कोई 10-12 लीटर दे रही है, तो हम इसके किसके साथ संकरण करें जिससे ज्यादा दूध उत्पादन हो, या जरूरी नहीं है कि हम दूध के लिए ही उसको संकरण कराते हैं, हो सकता है मांस उत्पादन के लिए भी हम कराते हैं, या भेड़ों को कराते हैं ना संकरण। भेड़ों का क्या मकसद होता है, भेड़ों को कराने से यानी कि नई नस्ल विकसित होगी, उससे ज्यादा ऊन प्राप्त होगी, तो सबका अलग अलग होता है, मुर्गियों में भी होता है, गाय में, भैंस में, भेड़ में, है ना। तो संकर प्रजनन हो गया। उसके बाद है दुग्ध दोहन में दुग्ध श्रवण का काल, ठीक है, यानी कि दुग्ध दोहन में कितना समय लगता है, दुग्ध दोहन की उपयुक्त विधि कौन सी है, या दुग्ध दोहन से क्या हमें मतलब, दुग्ध दोहन करने से कौन सा दोषपूर्ण विधि भी होती है, या कौन सा रोग हो जाता है, और इसके बाद में दूध स्तरण काल यानी कि जो दूध का लैक्टेशन पीरियड जिसे हम बोलते हैं कि कितने काल तक होता है, कितने समय तक गाय है या भैंस है दूध देती है, कितने समय तक दूध उसका सुखाया जाता है ना। तो इस प्रकार की जो भी जानकारी हम इसमें लेते हैं, और इसके अलावा इसमें जैसे इसके हार्मोन हो जाते हैं, है ना, तो ये सब कुछ हो गया दुग्ध दोहन दुग्ध स्तरण काल। उसके बाद है शौच दुग्ध उत्पादन, फिर पशु एवं कुकुट प्रबंधन यानी कि एनिमल्स और पोल्ट्री मैनेजमेंट, यानी कि पशुओं को किस प्रकार से हमें मैनेजमेंट प्रबंधन करके रखना है, जैसे कि गाय है भैंस उनमें सींग रोदन करना, या उनमें हम बोल देते हैं कि उनको आहार देना, है ना, तो इस प्रकार का जो भी प्रबंधन है, उनका आवास का स्थान है, या उनकी जो भी जैसे कि आयु निर्धारित करनी है तो वो प्रबंधन होते हैं, या कोई बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना, जो भी सब प्रकार का होता है। वैसे तो एनिमल हस्बेंड्री में प्रबंधन मैनेजमेंट यही मुख्य होता है, ठीक है ना। तो पशुओं एवं कुकुट का प्रबंधन हो गया। उसके बाद है जैविक अपशिष्टों का निस्तारण करना, ठीक है ना, यानी कि जो भी गाय है भैंस है उनसे जैसे यूरिन है गोबर है वो हमें प्राप्त होता है, उनका हमें जैविक उत्पाद बनाना, ये क्या हो गया जैविक अपशिष्ट हो गए। फिर है संतुलित पशु आहार, ठीक है, संतुलित पशु आहार में क्या होता है, आहार भी जैसे कई प्रकार से होता है, संतुलित आहार हो गया, उत्पादन आहार हो गया, या भोज्य पदार्थ हो गए, है ना। तो संतुलित आहार तो वैसे हम एक पार्टिकुलर अलग से भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो पशुओं को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, जैसे कि दाना है, चारा है, या कौन सी जैसे फसल है उसका, यानी कि जैसे लेग्यूम क्रॉप देते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है ना। तो इस प्रकार से जैसे संतुलित आहार हो गया, उसमें यानी कि पशु को हम जो भी आहार देंगे उससे हमें कितना उत्पादन हो रहा है, 1 किलो दाना दिया तो कितना दूध प्राप्त हुआ, या जो कोई भी जैसे गाय है वो गर्भाधान कर चुकी है उसके लिए हम कितना दाना देते हैं, सांड के लिए कितना दाना देते हैं, तो ये सब प्रकार के हम संतुलित पशु आहार में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है चारा फसलें, चारा चारागाह विकास, यानी कि जो फोडर क्रॉप जिसे हम बोलते हैं ना, तो चारा फसलें हैं उनका जैसे हम साइलेज बनाते हैं, हे बनाते हैं, या हम जिसे बोलते हैं पाला बनाते हैं ना, तो ये जो भी चीजें हैं इनका बनाना वो क्या हो जाता है, चारा का फसलें, चारा चारागाह विकास हो गया, जैसे साइलेज है हे हो गया, और इसमें हम कौन सी क्रॉप लेते हैं, लेग्यूम लेते हैं, नॉन लेग्यूम लेते हैं, है ना, तो इस प्रकार से चारा चारागाह और विकास हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान करना, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एक तो होता है अपने छंटनी करना और एक होता है इनमें से चयन करना, है ना। तो पशुओं का जैसे किस प्रकार से हम जैसे स्वस्थ पशु है उसमें से बीमार पशु को अलग रखना, है ना, या बीमार पशुओं में से स्वस्थ पशु को अलग करना, इस प्रकार से जो भी प्रबंधन रहता है, तो स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान करना, जैसे कोई देश है कोई राज्य है उसमें से जैसे पशु आता है उसको 15 दिन हम अलग रखते हैं उसे हम क्वारंटीन बोलते हैं, या जैसे बीमार पशु है उसमें से अलग पशु को करना उसे हम छंटनी कहते हैं, तो इस प्रकार से इसमें टर्म चलती रहती है। तो पशुओं में इसके आगे दूसरा टॉपिक क्या है, पशुओं में अंतः एवं बाह्य परजीवियों का रोग,
यानी कि जैसे पशु है, पशु में रोग भी तो होते हैं ना, कई बार आंतरिक परजीवी से हो जाते हैं, बाह्य परजीवी से भी हो जाता है ना, जैसे ज्यादातर ऊंट में होता है बाह्य परजीवी द्वारा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर पशुओं में टीकाकरण, यानी कि पशुओं में रोग हो जाते हैं तो रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण भी करना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें कि ये अपना ब्लैक वाटर रोग है, गलघोंटू रोग है, और FMD रोग है, फूट एंड माउथ डिजीज जिसे बोलते हैं, रिंडरपेस्ट है, तो इनमें कब टीका लगाना चाहिए, कितना टीका लगाना चाहिए, कितनी उम्र में लगाना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए, इनके बारे में हम अध्ययन से यानी गहन से चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर पशुधन का प्रसार, यानी कि पशुधन का प्रसार से मतलब हो गया कि हम पशुओं को जैसे TV में देखना या मेलों के माध्यम से ज्यादा प्रसार करना और ऑडियो के माध्यम से हम ज्यादा प्रसार करना, तो ये हो गया पशुधन प्रसार। बस छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर हो गया, ऊन मांस दूध अंडों का देश व राज्य में उत्पादनों व स्थान, प्रति व्यक्ति दूध मांस अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु दूध की उत्पादकता, यानी कि देश या राज्य की क्या स्थिति है, जिसे ये तो करंट का हो गया, अभी गाय में राजस्थान का कौन सा स्थान है, दुग्ध में राजस्थान का कौन सा स्थान है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ना, तो इसके बारे में ये लगभग है, ये डाटा जो करंट के रहते हैं ये हम लास्ट में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर हो गया गौशाला प्रबंधन, अब है कि गौशाला अगर हम बना रहे पशुओं के लिए तो हम उसके लिए किस प्रकार का शेड रखें, किस प्रकार का आवास रखें, किस प्रकार का वहां पर हम वातावरण रखें और उसके लिए क्या क्या जरूरी रखें, किस प्रकार से पशुओं को बांधना है, जिसे हम पढ़ते हैं टेल टू टेल मेथड, हेड टू हेड मेथड है ना, और अगर हम देखते हैं कि उनके लिए पानी पीने की भी जगह होनी चाहिए, या जो पशु का आवास होता है वो किस तरफ खुला होना चाहिए, किस तरफ बंद होना चाहिए, तो इनके बारे में हो गया गौशाला प्रबंधन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, ये तो उसमें बात होगी, हमने पहले बात कर ली गौमूत्र का उचित निष्पादन यानी हम किस प्रकार से करते हैं, अवशिष्टों में हो गया है। फिर पशुधन उत्पादों का विपणन, यानी कि जो भी पशुओं से हमें उत्पादन प्राप्त होते हैं, जैसे कोई दूध है, दही है, पनीर है, मावा है, तो उनका हम किस प्रकार से बेचते हैं या खरीदते हैं, तो इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर है डेयरी विकास गतिविधियों तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाओं, यानी कि पशुपालन विभाग ने जो भी योजनाएं चला रखी है का समावेश हो पर वस्तु पूर्वक प्रकार के प्रश्न, यानी कि डेयरी विकास गतिविधि यानी कि डेयरी यानी जो पशुपालन विभाग है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पशुपालन विभाग के मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री कौन है, राजस्थान में कौन है, ये तो हमें नॉर्मल पता ही होना चाहिए। उसके बाद है कि जैसे राज्य सरकार या पशुपालन विभाग है वो क्या करते हैं, इनके लिए गाय है भैंस इनके लिए क्या करते हैं, योजनाएं चलाती हैं, तो उन योजनाओं के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि इनके क्या लाभ है, किसान को क्या फायदा है ना, तो ये भी हमें सब कुछ पता होना चाहिए। फिर साफ सफाई का महत्व, यानी कि पशुशाला में भी साफ सफाई रखनी चाहिए पशुओं के लिए, इससे हमें स्वस्थ दूध प्राप्त होता है ना, पशु बीमार नहीं होते हैं। फिर ऊन कतरन, ये भी आपको पता ही है भी ऊन की कटाई करनी है, सॉरी ऊन कतरना है तो कब करनी है, कितने टाइम में करनी है, जैसे भेड़ है उसमें साल में 2 बार करनी है, 3 बार करनी है, किस प्रकार से करनी है और कहाँ से करनी है, और जैसे हम बोलते हैं कि कोई अगर गर्भित भेड़ है तो उसमें जैसे ऊन को कतरना क्या कहलाता है, आंखों से कतरना क्या कहलाता है, तो ये अलग अलग टर्म रहती है। फिर है बाहर डोने वाले, यानी कि और तो हमने पढ़ लिया भाई, जैसे दुधारू नस्लें हैं वो तो पढ़ ली, अब बाहर वाई भी कुछ नस्लें होती है उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर पशु वर्मी कंपोस्ट खाद, यानी कि पशु से जो भी खाद बनाई जाती है उनके बारे में भी, कैसे बनाई जाती है, कितना टाइम लगता है, कब हमें डालनी चाहिए, कितनी डालनी चाहिए, किस प्रकार से बनती है, किसने खोज की है ना, इसमें क्यों कितनी नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है, पोटास होती है, तो ये सब भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, यानी कि जैसे कि आपको पता है कि पशु जब जीवित होता है और जब मरता है, तो यानी कि जीवित से मृत्यु तक उसकी एक एक चीज उपयोगी होती है ना, जैसे पशु जीवित होता है तो उसकी विष्ठा काम आती है, फिर हम उसके बाद उसे हम दूध प्राप्त करते हैं, फिर पनीर बनाते हैं, दही पीते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, जब पशु दूध देना बंद कर देता है तब भी हम उसकी खाद काम में लेते हैं, फिर अगर पशु मर भी जाता है तो उसका खून काम में आता है, चमड़ी काम में आती है, सब हड्डी काम में आती है, सब कुछ खाद के काम में आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, ठीक है। फिर है पशुओं की उम्र ज्ञात करना, देखो वैसे तो मैनेजमेंट में सब कुछ आ जाता है, पशुओं का जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें लगभग सभी हम टर्म पढ़ लेते हैं कि पशुओं की आयु ज्ञात करनी है, उम्र ज्ञात करनी है, और कितना उसका बॉडी वेट है, कितना आहार देना है,
और किस प्रकार का आवास होना चाहिए, लगभग पशु प्रबंधन में हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी अलग से दे रखा है, फिर और हम पढ़ लें कि पशुओं की उम्र ज्ञात करनी है। उम्र ज्ञात क्यों करते हैं कि इसमें जैसे कि पशुओं की उम्र है कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चारा देते हैं, दाना देते हैं, दवाई देते हैं, है ना, और उसकी उम्र कितनी है उसके अनुसार ही हम उसका संकरण कराते हैं। और हम अगर बात करें कि कौन से मेथड से उम्र ज्ञात करनी चाहिए, जैसे 4-5 सूत्र होते हैं, है ना, वो भी हमें पता होना चाहिए। फिर पॉलिथीन से पशुओं वह पर्यावरण को क्या हानि है, तो आपको पता ही है कि आजकल प्लास्टिक बहुत चल रही है, तो उसके लिए भी सरकार ने डाला एक दो पॉइंट, इसमें से नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ बस टॉपिक ज्यादा है, बाकी मैटर कम है, ठीक है ना। फिर पशु बीमा, या पशुओं के लिए बीमा भी चल रहे हैं कि पशुओं के लिए कौन सा बीमा चल रहा है, कितनी इसमें जैसे कि किसान को कितने पैसे मिलेंगे सरकार के द्वारा, है ना, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कौन सा बीमा चल रहा है और किस किस को फायदा है। फिर पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, यानी कि जब हम पशु खरीदते हैं तब उस समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है ना। फिर पशु मेले, तो अब इसमें पशु मेले भी अब है कि जैसे आपको पता है कि राजस्थान सरकार है वो 10 पशु मेले लगाते हैं, है ना, तो वो पशु मेले कहाँ लगाते हैं, कब लगते हैं और कौन से महीने में लगते हैं, किस देवता के लगते हैं, कौन सा पशु सर्वाधिक क्रय होता है, और राज्य सरकार को कितनी इनकम होती है, या सबसे बड़ा कौन सा लगता है, सबसे छोटा कौन सा लगता है, कितने टाइम तक लगता है, तो ये सभी पशु मेले में पड़ते हैं। फिर पशुओं की गणना, जैसे कि आपको पता है कि अभी 2019 में 20वीं पशु गणना हुई थी, हाल ही में 20वीं पशु गणना हुई थी ना 2019 में, तब आपको पता है वैसे तो 21वीं पशु गणना आने वाली है, लेकिन एक बार ये हम जो टॉपिक है वो होल्ड रखेंगे, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो अब आपके मन में आएगा कि सर अब हम इसकी तैयारी करनी है तो हम कहाँ से करें, तो एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में है, जो बुधवार से न्यू बैच प्रारंभ हो रहे हैं, इसके लिए आपको जो नंबर है वो मैं लिख दूँ, ये संस्थान के नंबर है, इसमें आप कॉल कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट में आप कॉल करें, और जो भी जानकारी चाहिए PDF चाहिए जो भी है। थैंक यू दोस्तों। Thank you.